कहते हैं कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन सीतापुर का वो शैतान आशिक जो जबरदस्ती पर ही उतारू था, अक्सर लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, उस पर शादी की दबाव बनाता था। एक रोज जब लड़की ने उसकी बदसलूकी की शिकायत खाकी से कर दी तो आवारा आशिक हैवान बन गया और फिर उसने जो किया उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। देखिए यह रिपोर्ट। सीतापुर में सन्न करने वाली वारदात। शैतान शोहदे की हैरान करने वाली करतूत। छेड़छाड़ की शिकायत करना किशोरी को पड़ा बहुत महंगा। शादी को मना किया तो किशोरी को जिंदा जला दिया। जिंदगी की खातिर मौत से लड़ रही युवती। यूपी के शोहदों पर लगाम कर यूपी में चौकस कानून व्यवस्था की पोल खोलती है तस्वीरें। देखिए सीतापुर में शोहदों का आतंक की गवाही देती तस्वीरें। देखिए लाचार कानून व्यवस्था पर मोहर लगाती इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक युवती अस्पताल में पड़ी और जिंदगी की खातिर मौत से लड़ रही है। उसका पूरा जिस्म जला पड़ा है। जले जिस्म की जलन से वो बेहिसाब तड़प रही है। एक लड़का खींचा उनका हाथ पकड़ के और उसके बाद मियां कसके इनका दरबियाए से भी खींच गई हुआ खेत कहिया। और फिर इस जो कसके चिल्लानी तो हम भागत गए। जब भागते हम गए तो कही तुमका मार दीगा हम बिल्कुल। अगर जो तुमको बताया गया होगा हम यहाँ तो हम आए कि यहाँ फिर हम यहाँ फिर कोतवाली अप्लीकेशन दिहन यहाँ तो कहीं चलो हम आए रहे नवे है और तुम चलो बाद में आ जाए इसका अंदर कर दिवस वाले के यहाँ पकड़ के यहाँ। और एक बाद में यहाँ पूरा दिन हुई गया पूरी रात हुई गई ना पहुँचे। आज फिर टाइम हो ली गए कहन जाए फिर वहाँ तो जोड़े तो फिर आज ना आए कहीं चलो शाम तक आई बा। वही के बाद हम जो साय मोहन जान तो हम दुआरे तो गए पहुँच पान उससे गोलू जो है लड़का रहा वो आगे लगाए थी मेरी बिटिया कह रहे घर में कोई रहा नहीं मटी तिल डाल की यहाँ आगे लगाए दी। आगे जब लगाए दी तो हम कहला हम सौ नंबर मिलाए दी तो हम कहना ऐसे ले जीबा तो हमें फंसाए दे हैं तो हम सौ नंबर मिलाए तो हमसे कहें तुम अस्पताल में लेके चलो हम अस्पताल में मिलवा यहाँ का करे बा। तो हम सही साहब यो है ना ये कहा कि तो कार्रवाई हो ये सब कोतवाली वाले कोई पुलिस वाले कोई सुनते हमारे सुनते ही नहीं। दिल को छलनी करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शहर कोतवाली इलाके के हाजीपुर गांव की है। खबर है कि गांव का गोलू नाम का शोदा युवती को अक्सर परेशान करता था। पीड़िता पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता था और शादी नहीं करने पर पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता था। वारदात से दो रोज पहले युवती ने शोदे की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी लेकिन खाकी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बुधवार को शोदा युवती के घर में घुस गया और घर में रखे केरोसिन को युवती पर डालकर उसे जिंदा जला दिया। इस लड़के का नाम गोलू है। इसके वहाँ दारू बनते है। वो कह रहा था मुझसे शादी कर लो हम शादी तुमसे ना कर तो कह रहा है तुमको आग भी लगा दूंगा मार दूंगा तुमका अगर जो तुमसे शादी ना करे हम तो मम्मी पापा मार देगा अगर जो तुमसे शादी ना करे हम। आप क्या चाहते हैं? तो उसका कुछ ना उसका फांसी होना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि युवती का शरीर 60% तक झुलस गया है। हमारी मजबूरी है कि हम आपको इस मासूम के जख्म दिखा नहीं सकते लेकिन समझिए आप कि अगर शरीर का 60% हिस्सा जल जाए तो जलन कितनी ज्यादा होगी और जख्म कितने गहरे होंगे। लेकिन इस पीड़िता को मिले इन जख्मों से बचाया जा सकता था अगर खाकी पीड़ित परिवार की तहरीर पर वक्त रहते कार्रवाई कर लेती तो। अब पीड़िता के शैतान शोहदे का शिकार होने के बाद खाकी न्याय दिलाने का दम भर रही है। एक लड़का है उसी गांव का है उसने उनके घर पर जाकर इसमें शादी का दबाव बनाने से उसके घर पर पेड़ के डालकर उस पर आग लगाने का बात उनके परिजनों ने बताया है। उसी के अनुसार रात में उनके डाइंग डिक्लेरेशन लड़की का रिकॉर्ड किया गया मुकदमा लिखा गया है। उसके उपचार और चिकित्सा के लिए उनको अच्छा उपचार करने के लिए
किया गया है। पुलिस की गाड़ी करके अभी उसका तलाशी में जुटे हुए हैं और कुछ प्रयास में लगे हुए हैं, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज। इस वारदात ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है, साथ ही बेटियों की सलामती के सवाल को फिर खड़ा कर दिया है। आवाम पूछ रही है कि कभी दहेज के नाम पर तो कभी छेड़छाड़ के विरोध पर क्या ऐसी ही जलेगी बेटियां, क्या ऐसे ही तड़पेंगी बेटियां, शौहदों की शैतानियत पर आखिर लगाम कब लगेगी। सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी, जनतंत्र टीवी।